लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा हूँ मैं आपको 13.5 लाख रुपए दे रहा हूँ कंपनी वालों को, तुमसे एक तमीज का 1000-2000 रुपए का बल्ब नहीं लगाया जा रहा इसके अंदर, और बहुत महंगी लाइट है इस गाड़ी की, 86,000 रुपीज। यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे एक टाइप ए नहीं दे सकते थे, आगे भी टाइप ए नहीं दे रखा है, टाइप सी पीछे की तरफ, शायद यहाँ पे भी दो टाइप सी दे रखे हैं जैसा कि पहले भी आपको दिखाया जा चुका है। तो ट्रैफिक में कहीं बंद हो गई, एकदम सडन स्टार्ट करने, कहीं ढलान पे बंद हो गई, पहले इसमें न्यूट्रल खेलो, पहले न्यूट्रल करो इसे, फिर ये स्टार्ट होगी। यार प्रीत भाई बताइए, जैसे मैंने तो सेल्टोस ले ली, मेरा एक दोस्त है वो कह रहा है कि यार मैं सेल्टोस लेना चाहता हूँ, अच्छा बेस मॉडल ही लेना चाहता हूँ, डीजल ही? हाँ डीजल ही। अच्छा जी, तो अब मैं उसको क्या सजेस्ट करूँ, क्या बताऊँ उसको मैं, आप कुछ मेरे को आइडिया दो यार, मैं उससे समझा नहीं पा रहा हूँ उस लड़के को। यार मेरा तो मानना है, देखो कोई भी गाड़ी खरीदो, देखो अच्छाई के ऊपर तो हम 1 करोड़ वीडियो देख लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में नेगेटिव्स पता होने जरूरी है, मैं जो मानता हूँ। बिल्कुल, आप क्या बोलते हो इस बारे में? बिल्कुल सही बात है भाई, नेगेटिव तो पता होने चाहिए गाड़ी के, नेगेटिव पता होने चाहिए कि भाई गाड़ी के अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, क्या नहीं है, तो इस वीडियो में बात करें उसी बारे में, बता दो फिर। चलो फिर हो जाए फिर इसी बात पे। चलो फिर चलो। जैसे गाड़ी के अंदर ही बैठा हूँ तो एक चीज जो मुझे पर्सनली से चलाते हुए बहुत बुरी लगती है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब भी चलाता हूँ मेरे जब ध्यान इसके ऊपर जाता है ना यार, पूरा मूड खराब कर देती है यार, इसकी गियर नो, इसकी राइवल है किया सेल्टोस की राइवल है ह्यूंडई क्रेटा, बस उसके बेस वेरियंट में अच्छी नोव आती है, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में आती है यार, ये देखने में कितनी मतलब यार, चलो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग कहेंगे अरे क्या पॉइंट आउट कर रहा है, चलो ठीक है इससे तो आप लोग काम चला लोगे ना, ठीक है 2024 में इन डंडियों से काम चला लोगे का, मुझे बता दो, आज भी 2024 में भी ये डंडियों वाला सिस्टम दे रहे हैं ये, इन्हीं की गाड़ी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV किया सोनेट के अंदर आप लोगों को यहाँ पे बटन मिलता है, हालांकि मैं नहीं कह रहा भाई मुझे हाथ से खोलने में दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हाथ से खोल लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है यार, इसकी अंदर के एडजस्टमेंट के लिए तो भाई यहाँ बटन दे देते यार, इनको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं देते, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट तो ऑफर कर सकते थे, पैसे भी भाई 13-13.5 लाख रुपए तुम ले रहे हो और फिर भी तुम नहीं दे रहे हो, तो ये डंडिया ये बहुत बड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है, आप क्या कहते हो कैमरामैन? सही बात है भाई, देनी चाहिए ना, ये तो एटलीस्ट कर सकते हैं ना, तुम गियर नोब पे काट लो भाई पैसे, हम तैयार है कटवाने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर यहाँ तो मैं इस चीज से थोड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और अभी एक और डिसअपॉइंटमेंट की बात करूँ, आओ पीछे, अभी 16 जनवरी को क्रेटा लॉन्च हुई है, आपने देखी? जी हाँ देखी, देखी है जी। उसके बेस वेरिएंट में ह्यूंडई वाले यहाँ से पूरी यहाँ तक की कनेक्टेड टेल लैंप दे रहे हैं जी, दिखने में तो ये भी कनेक्टेड है, अभी मैं लाइट ऑन करके आता हूँ भाई, देखने क्या पोटी कर रखी है, कोई मतलब है इस बात के पीछे भाई, ये सब सिर्फ चमक रहा है, ये सब चमक रहा है, बस इसमें लाइट जलती है, रात को सिर्फ इसमें, यही तेज जलेगी यही धीरे जलेगी, ये पूरा रिफ्लेक्टर दे रखा है पूरा, LED है, कोई बात है करने की, बताना यार। नहीं यार, यार ये किस लेवल की डिसअपॉइंटमेंट है ये, मतलब यार यहाँ कुछ नहीं दे रहे, देखो मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम इसके अंदर देखो बल्ब दे रखा है, आई एग्रीड एक्सेप्टेड, इसके अंदर बल्ब दे रखा है चलेगा, यार इसको तो जला सकते थे ऑलवेज ऑन पे जला दो इसको, क्या दिक्कत जा रही थी, क्या फर्क पड़ रहा था, या फिर सिर्फ इतनी जला देते तो भी कोई मतलब इनका वो नहीं हो जाता भाई, कंपनियां बेस वेरिएंट से दे रही हैं आजकल यार, कनेक्टेड इन्हीं की बहन, इसी की बहन दे रही है क्रेटा, पूरी कनेक्टेड आ रही है गोलू भाई उसके अंदर, इसमें देनी चाहिए थी नहीं देनी चाहिए थी, आप खुद बताओ, होनी चाहिए थी भाई, बनता तो देखो जायज है कि जो देनी चाहिए थी, पीछे से भाई रात में ये गाड़ी ऐसी लगती है अधूरी अधूरी सी, ऐसा लगता है कि कोई 2 बल्ब जल रहे हैं बिल्कुल अंधेरे में, 2 बल्ब जल रहे हैं, पता नहीं कौन सी गाड़ी जा रही होगी, मतलब इतनी लुक खराब करती है ना चीज पीछे से, जिसकी कोई हद नहीं है, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, पीछे से देखिए तूने इसे चलती हुई उस दिन देखी थी ना, कैसी लग रही थी तू ही बता दे, विकलांग तो भाई एक ये इन्होंने इसके अंदर ना बहुत बड़ी कमी छोड़ रखी है, जिससे मैं तो बड़ा ही डिसअपॉइंट हूँ कि यार ये लाइट जो है एटलीस्ट भाई ये DD जैसे कह रहे चलो इतनी जला देते चल जाता भाई, इतनी तो जला देते नहीं जलाई, ठीक है भाई पता नहीं क्या कॉस्ट कटिंग है, क्या कर सकते हैं, कर दिया इन्होंने तो जो करना था, जो पॉटी करनी थी कर दी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर इसके अलावा मैं और थोड़ी सी इसकी गाड़ी की दिक्कतों की बात करूँ या थोड़े से नेगेटिव्स की बात करूँ, तो आगे आ जाओ आप एक फ्रंट में भाई, एक मैं 13 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं आपको 13.5 लाख रुपए दे रहा हूँ कंपनी वालों को, तुमसे एक तमीज का 1000-2000 रुपए का बल्ब नहीं लगाया जा रहा है इसके अंदर भाई, बेस वेरिएंट में तो कंपनियां पता नहीं क्या समझती हैं, इतना थर्ड क्लास इतना फुद्दू बल्ब है इसका भाई, इतनी बेकार लाइट है जिसकी कोई हद नहीं है, आप अगर इसके अंदर वाइट जो हैलोजन यूज जो इसके अंदर हैलोजन लाइट आती है ना, जो लोग यूज़ कर रहे होंगे एक बार कमेंट में लिख के बताना इसकी लाइट का रिस्पांस कैसा है बेस वेरिएंट की, DD2 लगा ले यहाँ से वहाँ की रोड नहीं दिखती, इतनी बेकार लाइट है, अब तो तू तो ऑन भी कर रहे थे तो पता ही, अब देख ले बहुत मतलब इतनी वर्स्ट लाइट है ना, बंदे को अगर गाड़ी खरीद ली है ना तो खरीदते ही या तो शोरूम से लेते ही चेंज कराओ, या फिर अभी लेके जा रहे हो घर बाद में जाओ, पहले इसके अंदर लाइट डलवाओ, तो ये इसके अंदर भाई बहुत बड़ी भारी समस्या है इसके साथ कि इसकी जो लाइट्स है ना
नॉट गुड, वेरी बैड लाइट्स। अब भाई मैं देखो आप लोगों से एक नेक्स्ट चीज की बात कर लेता हूँ। चलो भाई इन्होंने लाइट बेकार दे दी, एक और नेक्स्ट नेगेटिव बताता हूँ। लाइट बेकार दे दी, ठीक है भाई कोई बात नहीं, कस्टमर ने बेस वेरिएंट खरीदा, कुछ समझते तो है नहीं है बेस वेरिएंट वालों को। ठीक है भाई, मैंने कहा क्या है तुम्हारी लाइट का रेट, कितने की होगी, 10,000, 20,000, 30,000, 35,000, 40,000? भाई बहुत महंगी लाइट है इस गाड़ी की, 86,000, 86,000 रुपीज़ ओनली फ्रंट टू लाइट्स, 86,000, 24,000 पीछे की 25,000 या 28,000। ये शीशे अगर मैं चेंज करवाने जाऊँ क्लोज टू 18,000 to 20,000 रुपीज़। इतनी महंगी एक्सेसरीज है भाई, किया सेल्टोस की एक्सेसरीज बहुत एक्सपेंसिव है भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। अगर आप इस गाड़ी का एक्सेसरीज अगर कुछ भी लगवाने जाओगे ना, तो खरीदने से पहले प्लान बना लेना। अगर 13 लाख की गाड़ी खरीदे तो ऊपर से 2.5-3 लाख रुपया काम होगा, अगर आपको बिल्कुल टॉप वेरिएंट जैसी बनानी है तो। मैं तो भाई समझदारी मानता नहीं हूँ इन लाइट को चेंज करवा के 80,000 रुपये लगाने में, 5,000-5,000 रुपये की बढ़िया LED डाल लो इसके अंदर, वो ज़्यादा समझदारी वाली चीज़ है जो मुझे लगती है। तो ये इस गाड़ी का बहुत बड़ा डाउन साइड है कि इसके जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। भगवान ना करे कल के दिन को कोई पार्ट फेलियर हो जाए तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, जब वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो मैं तो पर्सनली बोलूँगा अगर गाड़ी नहीं खरीद रहे हो एक्सटेंडेड वारंटीज के साथ ले लेना, किलोमीटर तो अनलिमिटेड दे रहे हैं, बाकी आप जो ईयर्स हैं वो एक्सटेंड करवा लेना। 5 साल की ना इसकी, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर कितनी चला लो, तो ये एक चीज़ इसके साथ बढ़िया है। अब भाई देखो किया कि मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में बहुत सारी तारीफ करी थी, अब आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो इन्होंने रियर पैसेंजर्स के लिए मतलब ऐसा कर दिया है, दुविधा। आ जाओ, अब भाई मैं लॉन्ग जर्नी पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत एक की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक में कुछ बातें पढ़ रहा था जो बहुत ज़रूरी होती है, इंसान को पता रहनी चाहिए। अब मैंने पढ़ ली, मैं कहाँ रखूँ उसे, कहाँ रखूँ कहाँ मैं उसे, यहाँ मेरे साथ दो पैसेंजर और बैठे हैं, टिपिकली आदमी यहीं तो रखता है, कायदे से अगर देखा जाए तो यहाँ रखनी चाहिए, नहीं है जगह। डोर में थोड़ी बहुत जगह बना देते, इन्होंने अपना अलग ही डिज़ाइन खेल रखा, नहीं है जगह। यहाँ बॉटल होल्डर ज़रूर है ठीक है, यहाँ पीछे मैगजीन होल्डर नहीं है। किया सोनेट बेस वेरिएंट के अंदर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, किया सोनेट बेस वेरिएंट के अंदर ये जो आम ये है हेडरेस्ट है, ये भाई एडजस्टेबल आते हैं। मैं बैठा हूँ, क्या कंफर्ट देंगे ये मुझे, ये क्या कंफर्ट देंगे मुझे, मेरी गर्दन में और दर्द हो जाएगा ऐसे करके बैठूंगा तो, क्या कंफर्ट मिलेगा मुझे। और एक नहीं दो नहीं तीन हेडरेस्ट आते हैं किया सोनेट के बेस वेरिएंट में, वो भी एडजस्टेबल। ये बातें हैं कोई करने की किया वालों, तुम अपनी एक महंगी लेविश गाड़ी के अंदर ये फीचर नहीं दे रहे हो, अपनी एक सस्ती बेस वेरिएंट के अंदर ये फीचर दे रहे हो। अब बताओ भाई मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए, कहाँ जाके लड़ूँ। तो ये एक थोड़ा सा पर्सनली मुझे एक इसका डाउन साइड लगता है। क्लोज टू 5'10" के आसपास मेरी हाइट है भाई, आप थाई सपोर्ट देख लो एक बार मुझे कितना मिल रहा है, अगर मैं पैर आगे भी करके बैठते हैं देखना भाई मेरे कितने ज़्यादा पैर मतलब हवा में लटके रहेंगे। लॉन्ग राइड पे मुझे क्या ही कंफर्ट आएगा, स्पेशली रियर सीट्स पे। तो थाई सपोर्ट इस गाड़ी का अगर थोड़ा सा एनहांस हो जाता है, सीट अगर इतनी इतनी भी आगे हो जाती ना तो थाई सपोर्ट पे मज़ा आ जाता, इधर से पूरी फ्लैट सी है सीट, तो थाई सपोर्ट इज़ नॉट गुड, क्योंकि मैं पीछे इस गाड़ी में लगभग 50-100 किलोमीटर बैठा भी हूँ। एक और नेगेटिव ना इसके बूट के अंदर है, बताता हूँ क्या है। देखो टिपिकली अगर हम अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारी गाड़ी के अंदर यहाँ पे थोड़ी प्राइवेसी के लिए भी रस्सा वस्सा पड़ा हुआ है भाई, गाड़ी वाड़ी फंस गई थी एक भाई की हमारे, आपने अगर देखी हो तो पता नहीं इस चैनल पे डाली है मैंने, प्रीत व्लॉग पे डाली है, चेक कर लेना। तो गाड़ी फंस गई थी भाई, ये टूल किट देते हैं, चलो सब कुछ सही है, ऊपर पड़ी है मैं नीचे भी रख देता हूँ। यहाँ पे भाई मेरा टायर इन्सुलेटर रखा हुआ है, मेरा रस्सा रखा हुआ है, मेरी बेस ट्यूब रखी हुई है। अब भाई यहाँ पे एक तो प्राइवेसी नहीं है कुछ भी, बेस वेरिएंट में तुम पार्ट शेल्टर नहीं दे रहे, ठीक है मत दो भैया, वो जिस पे टिकती है उसकी वो तो दे सकते हो यार, यहाँ पे एडजस्टमेंट जिस पे वो लगती है भाई, इसके लिए पूरे प्लास्टिक का पार्ट चेंज करवाओ फिर इसके ऊपर पार्ट शेल्टर लगवाओ। 18,000 रुपये की आती है वो कम से कम, 18-20,000 रुपये की, जो पुरानी किया सेल्टोस उसके अंदर डलती थी, शेप से पुरानी वाली शेप के अंदर, क्योंकि मैंने मॉडिफिकेशन की काफ़ी वीडियोज़ बनाई है तो रेट मुझे याद होते हैं। तो भाई ये चीज़ से भी मैं डिसअपॉइंट हूँ कि यार एटलीस्ट उसकी ना तुम वो दे दो यहाँ पे साइड में जिसके ऊपर वो लगती है, पार्ट शेल्टर अलग से ट्रे अलग से बंदा 4-5 हज़ार रुपये की जितने की होगा खरीद लेगा, अब वो एडजस्टमेंट लगवाने के लिए यहाँ से मुझे पूरा ये चेंज करवाना पड़ेगा। अब ये बातें हैं कोई करने की, और बेस वेरिएंट को भाई को समझते नहीं, पीछे बूट में भी लाइट नहीं देते, ठीक है भाई मत दो। अब भाई मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, अब भाई सब लेविश आदमी थोड़ी ना होते हैं, चलो कुछ लोगों के पास आईफोन होता है, जिनके पास ऐसा जो आगे का इसका पोर्ट कंपनी देती है, एप्पल वाले भी कुछ कम नहीं है, वो लेविश हैं पूरे, ऐसा टाइप सी देते हैं, ठीक है भाई मैंने लगा लिया यहाँ पे फास्ट चार्जिंग में, हाँ इस गाड़ी के अंदर फास्ट चार्जिंग है जो एक अच्छी चीज़ है, मैंने लगा लिया, मेरा फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया। भाई मेरे पास वन प्लस का भी तो फ़ोन है, मैं एंड्रॉयड भी तो यूज़र हूँ, अब मुझे इस फ़ोन को चार्ज करना है, अब इसमें टाइप सी नहीं आता, टाइप ए आता है, मतलब यहाँ तो टाइप सी है पर आगे वाला जो पोर्ट जो गाड़ी के अंदर लगना है वो टाइप ए आता है, मैं कहाँ लगाऊँ इस गाड़ी में, एक भी पोर्ट नहीं दे रखा भाई। ये देख लो आप एक बार, आप खुद देख लो, एक 12 वोल्ट का है यहाँ पे, ठीक है 12 वोल्ट का दे रखा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ।
ये मैंने रख दिया सामान वापसी अपने जहाँ से उठाया था, ठीक है। यहाँ पे इतना स्पेस है, यहाँ पे ही के टाइप ए नहीं दे सकते थे, आगे भी टाइप ए नहीं दे रखा है, टाइप सी पीछे की तरफ, शायद यहाँ पे भी दो टाइप सी दे रखे हैं, जैसा कि पहले भी आपको दिखाया जा चुका है, यहीं पे कहीं पे इसी वेंट के नीचे टाइप सी दो दे रखे हैं। बताओ भाई कोई बात है ये करने की? अब कुछ मुझे लगता है जो होशियार लोग हैं कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि इसकी एक वो एक्सेसरी आती है वो खरीद लो, उसमें टाइप ए के दो ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं क्यों खरीदूं? गाड़ी के अंदर देना चाहिए ना, ये क्रेटा में आता है शायद ये भी, मे बी मैंने शायद देखा है, जहां तक मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैंने गाइस देखा है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे आके थोड़ा करेक्ट कर देना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप लोग बताना कि भाई कि क्रेटा में ये चीज़ आती है नहीं आती है। अब भाई ये एक बहुत बड़ी चीज़ है इस गाड़ी की, जिससे मैं तो भाई बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हूँ। चलो अब थोड़ा चलाते हुए बात करते हैं कुछ डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ों की। एक चीज़ और मुझे इस गाड़ी की थोड़ी भाई ना पसंद है, मैं बताता हूँ क्या। ये पर्टिकुलर मेरे को IMT ट्रांसमिशन के अंदर ना पसंद है। यूजुअली हम गाड़ी चलाते हैं, मान लो मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में होती है, मैं क्लच दबाया स्टार्ट करा लेके चल दिया, इस गाड़ी को अगर फर्स्ट गियर में, ये हमेशा ब्रेक दबा के स्टार्ट होती है, जैसे कि मैंने न्यूट्रल कर ली ब्रेक दबा लिया, यहाँ पे आपको N लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाएगा, थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ, स्टीयरिंग दिख रहा है उधर आ रहा है। अब मैंने ब्रेक दबा लिया है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, देखो यहाँ पे 0.7 RPM आ गए हैं। अब अगर मान लो मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में डली हुई है, अब मुझे इसे स्टार्ट करनी है, मैंने ब्रेक भी दबा रखा है, नहीं होती स्टार्ट, आदमी पहले से न्यूट्रल करेगा तब स्टार्ट होगी। ये चीज पता नहीं क्या है गोलू भाई, ये थोड़ी सी है नहीं अनोइंग चीज ये। आई कैंट से एनी कमेंट्स, मुझे भाई पर्सनली ये चीज अच्छी नहीं लगती भाई। अगर मैं कोई भी गाड़ी में बैठा हूँ, क्लच दबाए गियर में स्टार्ट करी लेके चलते बनो, मान लो ट्रैफिक में कहीं बंद हो गई, एकदम सडन स्टार्ट करनी है, कहीं ढलान पे बंद हो गई, पहले इसमें न्यूट्रल खेलो, पहले न्यूट्रल करो इसे, फिर ये स्टार्ट होगी। सडनली कोई सेल्फ मार दे बंदा, नहीं स्टार्ट होती। तो ये चीज़ मुझे तो पर्सनली भाई इतनी कोई खास अच्छी लगती नहीं है, ये तो बेकार सी चीज़ है। और क्लच व्लच का रिस्पांस बढ़िया है, सब कुछ सही है, अपने आप चल जाती है, तो वो सारी चीज़ों में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यही कुछ मुझे इसके थोड़े से भाई नेगेटिव से लगते हैं। बाकी आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, और अगर कुछ नेगेटिव मेरे से छूट गया, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स मैंने आपके लिए यूट्यूब से स्पेशली करके खुलवाया, करो कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक करें।